हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय चौहान। आज मैं 2032 में रिलीज हुई एक सस्पेंस बायोग्राफिकल फिल्म द स्विमर्स को एक्सप्लेन करूंगा। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ऑफ यूस्टा मार्दिनी एंड सारा मार्दिनीज लाइफ। तो चलिए अब पढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है तो पहने यूस्टा और सारा को दिखाते हुए पता चलता है कि दोनों ही प्रोफेशनल स्विमर्स हैं, जिनको और कोई नहीं बल्कि उनके डैड ही ट्रेन करते हैं। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो अपने डैड का सपना पूरा कर सके, सीरिया के लिए ओलंपिक मेडल जीतने का। लेकिन हमें पता लगता है कि इस साल 2011 है और सीरिया में इस समय तक क्राइसिस काफी बढ़ गई है। लेकिन वो लोग इस सब पर ध्यान न देकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। उनकी जिंदगी इसी तरीके से चल रही थी। अब ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और हमारी मुलाकात होती है यूस्टा और सारा से, जो बड़ी हो चुकी हैं लेकिन अभी भी अपनी जिंदगी को पहले की ही तरह खुश होकर जीती हैं। लेकिन इस बीच हम उस टाउन को जानते हुए देखते हैं जहाँ वो लोग रहते हैं, और तब हमें पता चलता है कि सीरिया में 2011 से ही वॉर छिड़ा हुआ है। हर दिन हजारों लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं और सीरिया की गवर्नमेंट बस चुपचाप तमाशा देख रही है। पूरे शहर में मिलिट्री भी तैनात है, लेकिन वो लोग भी इन लोग की मदद की बजाय इन्हीं सिविलियन को मोलेस्ट करते हैं। लेकिन सीरिया के लोग अब इस सबसे यूज्ड हो चुके हैं, अपनी जिंदगी को इन्हीं हालातों में जीने को मजबूर है। यूसरम और सेना का परिवार भी इन्हीं मुसीबतों के बीच किसी चमत्कार के उन्हीं की उम्मीद में जी रहा है। तभी तो उन्होंने ऐसे में भी अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग को बंद नहीं किया। सीरिया के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का उनका सपना अभी भी बरकरार है। लेकिन सारा ने शायद हार मान ली है, जिससे उसके डैड से उसकी काफी अनबन बनी रहती है। इसी बीच एक दिन सारा और यूसा को पता चलता है कि कई सारे सीरियंस जर्मनी में एज एन रिफ्यूजी बनकर जा चुके हैं, जिसमें उनकी एक दोस्त हाना भी शामिल है। जॉविक फैमिली रीयूनियन के जरिए अपनी फैमिली को भी वहां बुला लेगी। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब वो रिफ्यूजी की उम्र 18 साल से कम है, और लकीली यूसा की उम्र 18 से कम है। तो सारा उसी दिन ही अपने डैड से उसकी और यूसा के जर्मनी जाने की बात करती है। लेकिन ये सुनकर तो उसके डैड काफी नाराज हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि जर्मनी जाकर उन्हें एक रिफ्यूजी की तरह जीना होगा, उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी और फिर उनका स्विमिंग करियर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। दोनों में ही काफी बहस छिड़ जाती है। उनकी इस लड़ाई की वजह से यूसरा भी काफी परेशान रहने लगी थी। उधर दिन रात उन पर होते हमलों से लगातार उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है। एक्चुअली स्विमिंग ड्राइवर्स ट्रायल्स के समय उन पर बॉम्ब से हमला कर दिया जाता है। एक बॉम्ब तो यूसरा के पास पूल के अंदर जा गिरता है। बड़ी मुश्किल से सहरा उसे बचाती है, लेकिन इस हमले में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब तक यूसरा और सहरा के डैड को भी ये समझ आ चुका था कि उनकी बेटियां अब यहां सेफ नहीं है, तो वो उनके पर्लिन जाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन उन्हें अपने कजिन निजार को भी अपने साथ लेके जाना होगा, तभी वो पर्लिन जा सकते हैं। तो सारन और यूसरा निजार को उनके साथ पर्लिन चलने को मना लेती है। यूसरा और सारा के डैड उन तीनों को बताते हैं कि वो इस्तांबुल से लेबनान और लेबनान से पर्लिन जमीनी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि समुंदर के रास्ते में बहुत खतरा है। निजार उन्हें यकीन दिलाता है कि वो यूसरा और सारा को सही सलामत बर्लिन तक लेके जाएगा। उनके डैड को अपनी बेटियों को दूर भेजते हुए दुख तो हो रहा था, लेकिन वो उन्हें सेफ देखना चाहते थे। वो उन्हें उनकी मेडल देकर बस एक ही बात बोलते हैं कि वो लोग ये बात कभी ना भूलें कि वो सीरिया के स्विमर्स हैं, जिन्हें अपने देश के लिए एक दिन गोल्ड लाना है। यही उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। अब वो दिन भी आ जाता है जब सारा और यूसरा अपने परिवार को छोड़कर जाना था।
सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ये सुकून था कि अब वो एक सेफ जगह पर होंगे। युसरा अपने डैड को यकीन दिलाती है कि वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस को कभी बंद नहीं करेगी और एक दिन सीरिया के लिए ओलंपिक मेडल जरूर लाएगी। और फिर उनकी बर्लिन पहुंचते ही वो अपने परिवार को भी तो सीरिया से वहां बुला लेगी। और फिर एक आखिरी अलविदा कहकर वो तीनों वहां से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। इस्तांबुल पहुंचकर तीनों ही लेबनान जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। उन तीनों को ही लेबनान का बॉर्डर इलीगली पार करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही गए तो वहां की पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल देगी। लेकिन काफी परेशानियों के बाद भी उन्हें कोई भी मदद नहीं मिलती। ऐसे ही उन्हें एक ग्रुप के बारे में पता चलता है जो उन्हें समंदर के रास्ते लेबनान के बॉर्डर के अंदर पहुंचा देगा। लेकिन उनके डैड ने तो समुद्र के रास्ते से जाने से मना किया है, वहां पकड़े जाने का खतरा सबसे ज्यादा जो है। लेकिन उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, तो वो उन्हें समुद्र के रास्ते लेबनान में घुसने के लिए मानना ही पड़ता है। 10 घंटे के मुश्किल सफर के बाद वो लोग जा पहुंचते हैं समुद्र के किनारे। उन्हें पता लगता है कि वो लोग इस मुसीबत में अकेले नहीं है। कई सारे लोग उन्हीं की तरह अपने देश के हालातों से तंग आकर अलग अलग देशों में जाकर रिफ्यूजीज की तरह जीने को मजबूर हैं। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे और बूढ़े सभी इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। सभी एक दूसरे के इस बुरे वक्त को समझ पा रहे थे। सभी अपने देशों में हो रहे खून खराबे और बिगड़ते हालातों से थक चुके थे। ऐसे ही सारा की ईमान नाम की एक लड़की से अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों ही काफी बातें भी करते हैं। सभी लोग उस रात वहीं रुकते हैं और सुबह वो गाइड उन सभी को लेकर समुंदर में पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर सबको तब पता लगता है कि उन सभी को उस गाइड के बिना ही इस छोटी सी बोट से पूरे समुंदर पार करना होगा। सभी को पता था कि इस बोट को लेकर पूरा समुंदर पार करना नामुमकिन है, बोट कभी भी डूब सकती है। लेकिन सभी को लेबनान पार करना था, उनके पास कोई और चारा भी नहीं बचा था। तो वो सभी बोट पर चढ़ जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। जिन लोगों को तैरना आता था वो सभी एक ऐसे इंसान के साथ ग्रुप बना लेते हैं जिसको तैरना ना आता, जिससे मुसीबत के समय वो सब सर्वाइव कर पाए। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे उनकी मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी। बोट में भी अब तक पानी भर चुका था जिसका लेवल बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब भी समुद्र में उनकी बोट बंद पड़ जाती है। सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। निशान कोशिश करता है बोट को चालू करने की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। देखते देखते रात हो जाती है, लेकिन उनकी बोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी और अब तो पूरी बोट में पानी भी भर चुका था। सभी को अपना सामान फेंकना पड़ता है। सारा को भी ना चाहते हुए अपने डैड के दिए हुए मेडल्स को फेंकना पड़ता है। इससे उसे बहुत दुख भी होता है। उधर सारा समझ चुकी थी कि इस बोट को बाहर जाकर किसी को आगे बढ़ाना ही होगा, वरना वो सब यही फंस जाएंगे। तो वो अपने को रस्सी से बांधकर पानी में कूद जाती है और बोट को पुश करने लगती है। दूसरा भी अपनी बहन को इस हालत में देख उसकी मदद के लिए कूद जाती है और अब तक इमाद भी हिम्मत करके उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। तीनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन तीनों की ही मेहनत रंग लाती है। उनकी कोशिशों की वजह से बोट फिर से स्टार्ट हो गई थी और किनारे तक पहुंच भी पाती है। आखिर उन तीनों की वजह से आज सबकी जान बच पाई थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे और भी बड़ी जंग लड़नी थी उन सभी को। लेबनान का मंजर देखकर वो सब समझ चुके थे कि उनकी तरह ही कई लोग ये सब सह चुके हैं और अब वो लोग इस देश के रिफ्यूजीज थे जिसकी वजह से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। वो लोग अपनी खबर सबसे पहले अपनी फैमिली को देते हैं और फिर घंटों सफर के बाद वो रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच पाते हैं। आखिर आज कई दिन भूखे प्यासे रहने के बाद उन्हें खाना नसीब हुआ था। वो लोग वो कुछ दिन वहां रुकते हैं
और फिर बढ़ जाते हैं उन देशों की तरफ जहां अब से उन्हें रहना है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी बॉर्डर पार करने की। हर दिन मुसीबतों को पार करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच उन्हें एक एजेंट मिलती है जो उन्हें सही सलामत बॉर्डर के पार ले जाने का प्रॉमिस करती है, लेकिन उसके बदले काफी मोटी रकम भी मांगती है। वो सभी को अलग अलग कार में बिठाकर आगे भेजती है। इसी बीच युसरा सारा और निजार से अलग हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को समझा भी लेती है कि उसे हर हालत में बॉर्डर को पार करना हो ताकि वो अपनों से मिल सके। वो एजेंट उन लोगों को हंगरी की बॉर्डर पार करा देती है और युसरा एक बार फिर निजार से मिल पाती है, लेकिन सारा अभी तक वहां नहीं आई थी। उस रात वो सिर्फ सारा के बारे में ही सोचती रहती है और अगले दिन जब सारा वहां आती है तो वो उससे काफी नाराज होती है कि कैसे उसने उसे अकेला छोड़ दिया। उसने वादा किया था कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वो इतनी नाराज हो जाती है कि वो पहाड़ चली जाती है, लेकिन वहां एक लड़का आ जाता है जो वहीं काम करता था। उसकी इरादे जिस तरह समझ चुकी थी तो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के युसरा को पकड़ लेता है, लेकिन सारा सही समय पर आकर उसे बचा लेती है। तब तक उनमें से एक एजेंट वहां आ गया था और सारा और युसरा को उस लड़की के हाथों से छुड़ा लेता है, लेकिन इससे युसरा का काफी गहरा असर हुआ था। काफी डर चुकी थी वो अभी एजेंट्स पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तो वो सारा को बताती है कि अब बर्लिन वो इन लोगों के साथ नहीं जाएगी। सारा और निजार भी उसके भावनाओं को समझ पा रहे थे तो वो सबको अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं ताकि युसरा को कोई भी परेशानी ना हो। आखिर उसने अपने डैड से वादा जो किया है कि वो युसरा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी उसे कोई भी परेशानी नहीं आने देगी। दिन पर दिन उनके रास्ते और भी मुश्किल होते जा रहे थे और फिर उनके पास अब उतने पैसे भी नहीं बचे थे। अब तक युसरा हार मान चुकी थी, वह पछता रही थी कि उसने सीरिया छोड़ा। सारा को भी उसके लिए कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। आखिर उसने अपनी आजादी के लिए युसरा और निजार दोनों को ही यहां फंसा दिया, लेकिन तभी उनकी एक नई किरण जागती है। एक्चुअली निजान वहां आकर उन्हें बताता है कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने रिफ्यूजीज की हेल्प के लिए कैंपेन स्टार्ट कर दी है और कुछ बसेस भी भेजी है ताकि सभी रिफ्यूजीज को बर्लिन लाया जा सके। वो लोग काफी मुश्किलों के बाद उन बसेस में बैठ पाते हैं और उन कुछ घंटों के सफर के बाद उनकी आंख के सामने वो नजारा था जिसके लिए वो इतने दिनों से सभी मुसीबतों का सामना जो कर रहे थे। रिफ्यूजी कैब में जाकर उनके रजिस्ट्रेशन कर लिए जाते और अब से वो जर्मनी के रिफ्यूजी की तरह रहेंगे जब तक कि उनकी जर्मन सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट ना आ जाए। लेकिन उन्हें भी ये बात पता थी कि डॉक्यूमेंट आने में एक बहुत लंबा समय लगने वाला है। तब तक उन्हें ऐसे ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, हर दिन कोशिश करती रहनी होगी। उन्हें सारा और युसरा को निजार से अलग कर दिया जाता है, उन्हें लेडीज रेजिडेंस में रखने के लिए बोला जाता है। निजार से अलग उन्हें जगह भले ही थोड़ी कम मिलती है, लेकिन वो खुश थे कि कम से कम अब उन्हें उस चम के बीच डर डर के तो नहीं रहना पड़ेगा। और फिर उन्हें अपने परिवार को भी तो सीरिया से निकलवाना है। उधर सीरिया में हर दिन हालात और भी बदतर होते जा रहे थे, हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे। ऐसे ही युसरा को अपने डैड से करीब वादे के बारे में याद आता है जो उसने उनसे अलग होते हुए किया था कि वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस को कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो युसरा उस दिन से ही अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस में लग जाती है, एक तरफ सभी की मदद करना और दूसरी तरफ अपने गोल को पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक करना शुरू कर दिया था। आखिर कब तक अपने हालातों पर वो पछताती रहेगी? लेकिन उसे पता था कि सिर्फ इस सब से कुछ नहीं होने वाला, तो वो सैरा के साथ पढ़ने के एक स्विमिंग क्लब में पहुंच जाती है और उस क्लब के कोच स्वेन को उसे अपने क्लब में ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बात नहीं बनती। पर युसरा भी कहां हार मानने वाली थी, वो उसे अपनी स्विमिंग टाइमिंग के बारे में बताती है जिसको सुनकर स्वेन को एक ट्रायल के लिए मानना ही पड़ता है। और ट्रायल में सारा और युसरा दोनों ही
अपनी स्विमिंग से स्वेन को इंप्रेस करती थी और स्वेन उन्हें ट्रेन करने के लिए मान जाता है। लेकिन स्वेन को पता था कि वो रिफ्यूजी कैंप में रहकर ट्रेन नहीं हो सकती, तो वो उन्हें क्लब में ही रहने के लिए एक जगह दे देता है। स्वेन को समुंदर के उस हादसे के बारे में भी पता चलता है, जिससे वो और भी इंप्रेस हो जाता है सैरा और यूस्ट्रा से। उनकी लाइफ तो सेटल हो चुकी थी, लेकिन निजार को अब भी रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा था। अब तक तो वो भी पछता रहा था कि उसने उन दोनों की बात मानी और यहाँ चलाया, लेकिन उसे भी ये बात पता थी कि ये जगह सीरिया से बहुत अच्छी है। आखिर हर दिन उसे अपनी जान के लिए लड़ना तो नहीं पड़ रहा है यहाँ। यूस्ट्रा की ट्रेनिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन उसे जल्द से जल्द सीरिया के लिए ओलंपिक में जाना था। लेकिन स्वेन उसे बताता है कि यह अभी पॉसिबल नहीं है, आखिर अभी वो जर्मनी की रिफ्यूजी है। उधर सारा को शायद अब स्विमिंग से मन हट चुका था। वो अपना सारा वक्त रिफ्यूजीज की मदद करने और अपने परिवार को यहाँ लाने में लगा रही थी। लेकिन अब उसे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जवाब दे दिया था कि वो तब तक अपने परिवार को यहाँ नहीं ला सकते जब तक वो खुद यहाँ की सिटीजन ना बन जाए। सारा की सारी उम्मीदें एक ही पल में टूट जाती हैं। उस दिन दोनों बहनों में काफ़ी लड़ाई भी हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को उनके इन हालातों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। ऐसे में स्वेन यूस्ट्रा को अगले दिन एक गुड न्यूज देता है। उसे बताता है कि 2016 के रियो ओलंपिक में इस बार एक रिफ्यूजी टीम को भी भेजा जा रहा है और यूस्ट्रा को वहाँ भेजने के लिए वो उसे ट्रेन कर सकता है। लेकिन यूस्ट्रा को तो बस सीरिया के लिए ओलंपिक में जाना था, किसी रिफ्यूजी टीम के लिए नहीं। तो वो स्वेन को मना कर देती है, लेकिन सारा उसे याद दिलाती है कि वो स्विमर्स हैं, उनका सपना था उनके डैड और सीरिया के लिए मेडल लाना। लेकिन वो भी तभी मुमकिन है जब वो छोटी छोटी कोशिशों से शुरुआत करेंगे, और अगर वो ओलंपिक मेडल जीत गई तो उनकी हालत पहले से सुधर सकती है। शायद वो अपनी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचा पाए, हर रिफ्यूजी की परेशानी को वो पूरी दुनिया तक पहुंचा पाए। यूस्ट्रा वो उसकी पास समझ आ चुकी थी, तो वो स्वेन को ओलंपिक में जाने के लिए हाँ कर देती है। और स्वेन और उसकी कोशिशों और ट्रेनिंग से वो रियो ओलंपिक के लिए रिफ्यूजी टीम में भी सिलेक्ट हो जाती है। ये उसके लिए सबसे बड़ी बात थी, तो वो सारा के पास जाती है। लेकिन अब तक सारा ने अपने आप को एक अलग ही रूप में ढाल लिया था। सारा ने यूस्ट्रा को बताया कि वो अब से उसका पहला काम होगा सभी रिफ्यूजीज की मदद करना जिनको उसकी ज़रूरत है, जो सब उन लोगों ने सहा वैसा कभी किसी और को ना सहना पड़े। इसीलिए उसने लेबनान में एक रिफ्यूजी कैंप में एज एन वॉलेंटियर वर्क करने का सोचा है। सभी रिफ्यूजीज की मदद करनी है उसे, क्या पता एक दिन उसका परिवार भी इन्हीं रिफ्यूजीज में एक होकर इस मंजिल तक उसी तरीके से पहुंच पाए जैसे एक दिन वो पहुंचे थे, क्या पता उन्हें भी उनकी ज़रूरत हो। यूस्ट्रा उसकी फीलिंग्स को समझ पा रही थी, तो वो सैरा को नहीं रोकती। यूस्ट्रा निज़ाम से भी यहाँ इस हालत के लिए माफ़ी मांगती है और निज़ार भी उसे माफ़ कर देता है। और अब रियो ओलंपिक्स का वो दिन आ चुका था जब यूस्ट्रा को अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना था। उन सभी रिफ्यूजीज की आवाज़ बनना था जिनकी आवाज़ों को इस शोर में दबा दिया गया था। इस वक्त सारा और उसकी फैमिली यूस्ट्रा को पूरा सपोर्ट कर रही थी। जैसे ही कॉम्पिटिशन शुरू होता है, यूस्ट्रा अपने डैड और सभी रिफ्यूजीज के उन सपनों को याद कर पूल में डाइव करती है, और आज वो होता है जिससे हिस्ट्री लिखने वाली थी। यूस्ट्रा और सभी रिफ्यूजीज की जिंदगी भी बदलने वाली थी। यूस्ट्रा 2016 रियो ओलंपिक के स्विमिंग के गोल्ड मेडल को जीत चुकी थी। सभी की आंखें आज नम थी। सीरिया के लिए ना सही, लेकिन यूस्ट्रा ने अपने डैड के सपने को आखिर पूरा कर दिया। आखिर वो कर पाए जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। क्या पता अब वो शायद एक दिन अपने परिवार को भी यहाँ ला पाए सीरिया की उस बद से बदतर जिंदगी से दूर, और उनके साथ अपनी ड्रीम लाइफ को स्टार्ट भी कर पाए। फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके पीछे की ट्रू स्टोरी के बारे में। दोस्तों ये कहानी है सीरिया के स्विमर यूस्ट्रा
और सारा मार्टिनी की, जो 2011 में सीरिया में वॉर छिड़ने के बाद समंदर पार करके लेबनान तक पहुंच पाई थी, और 2016 रियो ओलंपिक में रिफ्यूजी टीम की तरफ से पार्टिसिपेट करके युसा मार्टिनी ने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था और सभी रिफ्यूजीज को अपनी आवाज दी थी। और तब से ही सारा और युसा दोनों ही दुनिया भर के रिफ्यूजीज की आवाज बनी हुई है। हर दिन उनके राइट्स के लिए लड़ती हैं वो। युसा मार्टिनी ने रियो ओलंपिक के बाद कभी भी रिफ्यूजी टीम को नहीं छोड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने रिफ्यूजी टीम को ही रिप्रेजेंट किया, और आज वो UNHCR की गुडविल एम्बेसडर बनकर रिफ्यूजीज की मदद करती हैं। लेकिन उधर 2018 में सारा मार्टिनी को पीपल स्मगलिंग के चार्जेस को लगाकर अरेस्ट कर लिया गया, जिसको पॉलिटिकल एजेंडा बताया गया। लेकिन लकीली ग्रीक कोर्ट ने भी इन चार्जेस को हटाकर उन्हें रिहा कर दिया। आखिर दोनों ने ही अपनी लाइफ में जो किया वो सच में ही काबिल-ए-तारीफ था। उन्होंने जो रिफ्यूजीज के लिए किया शायद कोई भी उसे कभी नहीं भुला सकता। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और युसरा मार्टिनी और सारा मार्टिनी की इस हिम्मत भरे काम को आप किस तरीके से देखते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो।